हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गाइस आपसे शेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ का न्यू रिलीज, और ये है गाइस ऑनियन हेयर सीरम विद ऑनियन एंड बायोटिक। तो ये प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसा रिजल्ट इसने मुझे दिया है, एंड दूसरा जो सीरम है मार्केट पे अवेलेबल लाइक लीवॉन या मेरे पास अभी है गाइस ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, तो इन दोनों में गाइस एक सिंपल वाला कंपैरिजन भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो ये प्रोडक्ट कैसे दूसरे मार्केट पे अवेलेबल प्रोडक्ट से अलग है। एंड गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड फेसबुक पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये है हेयर सीरम, और ये आता है ऑनियन एंड बायोटिन के साथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फिज फ्री हेयर, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। ये प्रोडक्ट वेगान है, पराबिन सिलिकॉन से फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सभी हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। एंड ममाअर्थ का सभी प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री भी आता है। तो हमें ये जो बॉटल है इसमें मिलता है 100 ml प्रोडक्ट, और इसका कॉस्ट है 299 rupees, एंड हमें 2 years का शेल लाइफ भी मिल जाता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्लेम किया गया है। बोला गया है ये फ्रिज को रिड्यूस करता है, हेयर ब्रेकेज जो है उसको भी रिड्यूस करता है, एंड हेयर को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। अगर आपका हेयर जो है वो ड्राई है, टैंगल्स आ जाता है, बहुत ज्यादा फ्रिज है, तो ये वाला सीरम बहुत हेल्प कर सकता है। हेयर कॉम्बिंग के पहले आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड कॉम्बिंग जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। इसको हम हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद भी यूज कर सकते हैं लाइक अ लीव ऑन सीरम, एंड इसको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें गाइस ऑनियन सीड एक्सट्रैक्ट है जो सल्फर से रिच होता है, जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ब्रेकेज जो होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हेयर फॉल में 60% हेयर ब्रेकेज के लिए हेयर फॉल होता है, लाइक ये 60% हेयर जो है हमारे रूट से नहीं झड़ते हैं, ये हेयर का जो स्ट्रैंड है कहीं पे अगर वीक हो जाता है हेयर, तो कॉम्बिंग करने के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक हो जाता है, गिर जाता है। ऑनियन सीड एक्सट्रैक्ट गाइस हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, ब्रेकेज जो है उसको रिड्यूस करता है, एंड उसके साथ साथ हेयर फॉल जो है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अभी इसमें बायोटिन है, बायोटिन हमारे हेयर का जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ब्रेकेज भी रोकता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एंड हमारे हेयर को थिक बनाने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ गाइस इस प्रोडक्ट में है ऑलिव ऑयल, जो हमारे हेयर को फ्रिज फ्री बनाने में, स्मूथ सिल्की बनाने में भी हेल्प करता है। अगर आपका हेयर केमिकली ट्रीटेड है, जैसा मेरा हेयर भी गाइस स्मूथनिंग किया हुआ है, तो इस हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक स्मूथनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद या केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको एवरी डे जो है हेयर सीरम अपने हेयर स्ट्रैंड में अप्लाई करना है, ताकि जो हेयर है वो स्मूथ सिल्की हो पाए और ब्रेकेज जो है वो रिड्यूस हो पाए, एंड उसके लिए ये प्रोडक्ट एकदम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपका हेयर कलर्ड है तब भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि गाइस इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिन नहीं है। तो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है गाइस बहुत ही बेसिक है, एंड ट्रेवल फ्रेंडली भी है। इसको लेके आप अच्छे से ट्रेवल कर सकते हो, कोई भी बैग में आ जाएगा ये। एंड यहाँ से गाइस आपको प्रोडक्ट जो है निकालना है, यहाँ पे पम्प दिया गया है, और प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है वो ऐसा है, जेल काइंड ऑफ रनी है, एंड बहुत ही लाइट वेट है। हेयर पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो फील ही नहीं होता है कि कुछ भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है, एंड हेयर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। हेयर को हल्का सा ये शाइन ऐड करता है, स्मूथ ज्यादा बनाता है, मैनेजेबल भी ज्यादा बनाता है। यूज करने से गाइस मुझे फील हुआ है जो फिजीनेस है, जो टैंगल्स है, वो भी कम आ रहा है मेरे हेयर के ऊपर। अभी गाइस देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट आप यूज कर सकते हो शैम्पू के बाद, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर यूज कर लिया, शैम्पू को टॉवल ड्राई कर लिया, अपने हेयर लेंथ एंड थिकनेस के हिसाब से ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा ले लीजिए अपने हाथों के ऊपर। हाथों में जो प्रोडक्ट है अच्छे तरह से फैला लीजिए, ताकि हेयर में बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर पाओ, एंड उसके बाद अपने हाथों के हेल्प से हेयर में अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए, ताकि जो स्ट्रैंड है वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट कवर हो जाए। मेनली गाइस जो टिप है जो हमारा नॉर्मली ड्राई हो जाता है, यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ख्याल रखना है इसको हमें अपने जो रूट्स है या हेयर का स्कैल्प है इस पे यूज नहीं करना है, ये सिर्फ हमारे हेयर स्ट्रैंड के लिए ही बना है। नेक्स्ट गाइस आप यूज कर सकते हैं ड्राई हेयर पे भी कोम्बिंग के पहले, अच्छे से अपने हेयर में पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद अगर आप कोम्बिंग करते हो तो बहुत ही स्मूथली कोम्बिंग हो जाता है एंड हेयर फॉल जो है बहुत कम होता है। मैंने इसको ट्राई किया है गाइस एंड रियली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया है, जो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। देख लेते हैं ये जो प्रोडक्ट है कैसा रिजल्ट मेरे ऊपर दिया है, मेरे हेयर के ऊपर दिया है। तो मैंने इसको 4 डेज से यूज कर रही हूँ। फर्स्ट डे को शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राइड हेयर पे मैंने इसका यूज किया एंड उसके बाद गाइस नॉर्मली मैं अपना हेयर जब वेट रहता है तब कोम्बिंग नहीं करती हूँ, तो तब मैंने कोम्बिंग नहीं किया। उसके बाद जब मेरा हेयर जो है वो ड्राई हो गया तब मैंने इसको कोम्बिंग किया एंड ट्रस्ट मी ये कोम्बिंग करने के टाइम तक भी बहुत ज्यादा स्मूथ था, हेयर फॉल गाइस बहुत बहुत ज्यादा इसने रिड्यूस किया है। मैं सोच रही थी कैसे कोई हेयर स्ट्रैंड का सीरम हेयर फॉल रिड्यूस कर सकता है, बट यस इसने हेयर फॉल भी रिड्यूस किया है। हेयर फॉल मतलब जो हेयर फॉल होता है ब्रेकेज से, हेयर जो ब्रेक करता है उससे जो हेयर फॉल होता है उसमें बहुत बहुत ज्यादा, मतलब फर्स्ट यूज में ही आपको विजिबली डिफरेंस नजर आएगा, मुझे नजर आया। नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट डे को भी मैंने जब फर्स्ट कोम्बिंग करना था तब मैंने इसका अप्लाई किया एंड ऑलरेडी ये मेरे हेयर को स्मूथ बना चुका था, बट फिर भी मैंने इसका यूज किया एंड इट बिकम्स वेरी इजी, मतलब कोम्बिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है एंड एक्स्ट्रा कोई ऑयलीनेस ग्रीजीनेस ये नहीं देता है। हेयर जिन लोगों का ऑयली है वो बहुत जल्दी बैठ जाता है राइट, वैसा मुझे फील होता है इसमें नहीं होगा बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट है। आज मेरी हेयर वॉश का 4th डे है बट हेयर का जो शाइन एंड सिल्कीनेस है वो अभी भी एकदम फ्रेश है, जैसे लग रहा है कि आज या यस्टरडे को ही मैंने अपने हेयर को वॉश किया। उसके साथ साथ गाइस ये जो प्रोडक्ट है नॉट ओनली हमारे हेयर को स्टाइलिश या ये सब कुछ दिखाने में हेल्प करता है, सिल्की स्मूथ या मैनेजेबल ये करता है, बट ये हमारे हेयर को एक्चुअल में हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है एंड लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका हेयर का कुछ भी प्रॉब्लम है, टेक्सचर का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर जो स्ट्रैंड है वो बहुत ज्यादा डल है वो भी रिवाइव हो जाएगा बिकॉज इसमें ऐसा ही प्रोडक्ट यूज किया गया है। तो अभी चलिए देख लेते हैं जो बाकी मार्केट पे अवेलेबल सीरम है, लाइक लीवॉन है, लाइक ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है, इसके साथ इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप फॉलो करोगे गाइस, लीवॉन हो या लॉरियल का सीरम हो या ये स्ट्रिक्स सीरम है, ये एकदम क्लियर फॉर्मेट पे आता है, थोड़ा सा ऑयली होता है, एकदम ही रनी कंसिस्टेंसी का ऑयली ऑयली सीरम होता है नॉर्मली, बट ये जो सीरम है वो काफी डिफरेंट है, दोनों का टेक्सचर भी काफी डिफरेंट है। इसको अप्लाई करने के टाइम पे गाइस अगर मैं थोड़ा सा भी इसको ले लेती हूँ, थोड़ा सा लिया एंड इसको मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो थोड़ा सा पहले ये ऑयली बन जाता है एंड उसके बाद अच्छे से मसाज करने के बाद अब्सॉर्ब जब हो जाता है तो ये नॉर्मल दिखता है, बस हेयर को 2-3 दिन बाद थोड़ा सा ग्रीजी या ऑयली भी बना देता है अगर रेगुलरली हम यूज करें तो, बट ये प्रोडक्ट पे मुझे ऐसा वाला फील नहीं हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है गाइज ये पैराबिन सिलिकॉन इससे फ्री नहीं है, इसमें सभी केमिकल यूज किया गया है, बट ममार्ट वाला प्रोडक्ट पे कोई भी केमिकल नहीं है, इसीलिए हमारे हेयर के लिए बेस्ट है। तो एवरीडे अगर आप सीरम लगाना पसंद करते हो या रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा फ्रीज है, टैंगल्स है, हेयर फॉल होता है, तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है गाइस ये प्रोडक्ट का जो कंप्लीट डिटेल्स है आपसे शेयर कर पाऊ। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो गाइस मुझे सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए, सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिए अपने फेसबुक टाइमलाइन पे, हो सके तो पोस्ट कर दीजिएगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।